नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 परफॉर्म द फॉलोइंग सबट्रैक्शन एंड चेक द आंसर। अभी तक हम कर रहे थे सबट्रैक्ट, सिंपल सबट्रैक्ट करते हैं, अब हम सबट्रैक्ट करके हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट हमें सबट्रैक्ट करनी है 8 3 4 7 1 2 5 1 सबट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 5 जाएगा इससे कैरी लेंगे 14, यहां 2 बचेगा, 14 में से 5 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7। तो ये वाला नंबर से जब हम ऊपर लिखेंगे और ये वाला से नीचे लिखेंगे, यहां पे हमने सबट्रैक्ट किया, यहां पे हम प्लस करेंगे, जैसे कि हमारा 7 0 9 6, हम लिखेंगे 1 2 5 1, यहां पे प्लस करेंगे 6 और 1 7 9 9 और 5 14, कैरी 1 1 2 और 1 3 7 और 1 8, हमारा आंसर सेम ऊपर वाला आया है तो हमारा आंसर ठीक है, नहीं आ रहा तो हमारा गलत है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ 8347, तो यहाँ पे हमारा 8347। नेक्स्ट देखेंगे बी, बी हमारा 9992 माइनस 4321, तो इस पे पहले माइनस करेंगे, टू में से वन गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ये नंबर हम ऊपर लिखेंगे 5671 प्लस 4321, 1 का 1 और 1 2, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 4 9, तो हमारा आंसर आ गया 9992। तो हमारा ये क्या है, ठीक है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा ये चेक करने का तरीका है, ये चेक करने का तरीका है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा 82546 61777, पहले हम सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस, तो 6 में से 7 जाएगा, यहां से कैरी लेगा और यहां पे बचेगा हमारा 3, 16 में से 7 गया 9, 3 में से 7 जाएगा तो इससे कैरी लेगा, यहां पे बच जाएगा 4, 13 में से 7 गए तो क्या आएगा हमारा यहां 6, 4 में से 7 नहीं जाएगा यहां से कैरी लेगा 14 और यहां पे बच जाएगा 1, 14 में से 7 गए 7 और 1 में से 1 गए 0, 8 में से 6 गया 2, तो हमारा क्या आ गया 20769। इसे हम ऊपर लिखेंगे 20769, ऐड कर देंगे 61777, तो 9 और 7 16, कैरी 1, 7 और 7 14, कैरी 1, 7 और 7 14 1 15, कैरी 1, 1 1 और 2 6 और 2 8, तो हमारा आ गया 82546, तो हमारा क्या है ये क्वेश्चन ठीक है, यानी हमने चेक कर लिया कि ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा है 2,90,000 1,89,999, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,90,000 1,89,999, सबट्रैक्ट करेंगे, अब देखेंगे कि 9 में से 0 जाएगा नहीं, उसके बाद भी 0, तो पहले ये इससे कैरी लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये उसको दे देगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये इसको दे देगा 9, ये हो जाएगा 10, इसको 9 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1,01,01,01। अब हम देखेंगे 1,01,01 को हम ऊपर लिखेंगे 1,01,01 और उसके बाद 1,89,99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 9,
सॉरी सॉरी ऊपर लिखेंगे 1 लाख 1 लाख का 1 और नीचे आ जाएगा हमारा 1 stands 100,000 10,000 lakh। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 1,89,999। इसको क्या कर देंगे ऐड, 9 और 1 10 का 0 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 9 और 1 1 10 का 0 1 10 का 0 1 9 और 1 1 2 हमारा आंसर आ गया 2,90,000। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ई और एफ आप अपनी कॉपी में करेंगे।